अली वर्गा न कोई ते तू वदमुख वतने अली वर्गा इतनी सादी गल है लेकिन बड़ी बड़ी गल है। अली वर्गा न कोई ते तू वदमुख वतने अली वर्गा न कोई ते तू वदमुख वतने गल हैदर दी ते तू वदमुख वतने जिन्हां दा मुख अली दे वल है ओह बोलण जिहड़े वटाई बैठे ना बोलदे हल्के तरह कह छड्डो तक जौक बण जाए अली वर्गा न कोई ते तू वदमुख वतने उच्चा रुतबा शेर जली दा लड़ जै फड़िया पीर अली दा उच्चा रुतबा शेर जली दा लड़ जै फड़िया पीर अली दा बंदा जनती भी होई ते तू वदमुख वतने बंदा जनती भी ते तू वदमुख वटने जिला उकाड़ा क्योंकि दादा तलक जेड़ा है वह रावी नाल है ते रावी दी बोली दा शेर पण लगा जो इंज बंदा हाथ जोड़े ना ते ए कम ना कर वो बंदा ना रोके ते बंदा जटकी जबान चाहता है द्रोही खुदा दी ना करे ਸਾਡੀ ਲੁਗਤ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਜਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਦਰੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਜਰਾ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਤਰੋ ते तू वदमुख वटने ए ना गल कर तरोई ते हाकिम ओ ईमान दवाली जे आया ना ओ जान दवाली फिर जिंद समझी मो ते तू वदमुख वटने अली वर्गा न कोई ते तू वदमुख वटने तो वो शख्सियत एक निस्बत शेर पढ़ के इजाज़त लेना मौला हुसैन नु हर कोई मनदा है लेकिन इस शख्सियत ते बड़ा घट लिखा गया बड़ा घट पढ़िया गया पढ़ते जरूर ने पर घट लिखते जरूर ने पर घट उस शख्सियत का नाम है जिहड़ा अली का पागी पुत्र है जिहदा नाम मौला हसन है सुभान अल्लाह बोलो यार एडा सौखा नहीं है क्योंकि वह इमाम है जिहड़ा हुसैन का भी इमाम है ये वो इमाम है जिहड़ा हुसैन का भी इमाम है एक शेरी पढ़ना है तो भाई दिन मैं हवाले करके मौला हसन की बारगाह में जा रहा कौनैन में जो नक्शे सुल्तान जमा है कौनैन में जो नक्शे सुल्तान जमन है वो
मौला हसन मौला हसन मौला हसन है वो मौला हसन मौला हसन मौला हसन है। अब कौन समझे जो वार से आमामाए असनाम शिकन है जो वार से आमामाए असनाम शिकन है वो मौला हसन मौला हसन मौला हसन है वो मौला हसन मौला हसन मौला हसन है जिसकी निगाहों में फकत दी का सासा है जिसकी निगाहों में फकत दी का असासा है जिसकी निगाहों में फकत दी का असासा कुरान का हामी है जो उम्मत का सजन है वो मौला हसन मौला हसन मौला हसन है वो मौला हसन मौला हसन मौला हसन है। और सुनिए शेर इमाम है शबीर का ये शान तो देखो इमाम है शबीर का ये शान तो देखो शबीर के सीने में सुनो जिसकी लगन है वो मौला हसन मौला हसन मौला हसन है। एक दफा गवाही के तौर पे हाथ उठाओ वो मौला हसन मौला हसन मौला हसन है। अब जरा थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी है पांचवा ये अहद खिलाफत का खलीफा जो मानता है वो कहे सुभानअल्लाह जो मानता है मसला हल कर रहा हूँ है पांचवा ये अहद खिलाफत का खलीफा है पांचवा ये अहद खिलाफत का खलीफा शामिल है ये खुल्फा में मगर जिसकी चुभन है वो मौला हसन मौला हसन है वो मौला हसन मौला हसन है। और आखिरी शेर तबीयत की हलीमी है के एहसास यतीमी बड़े हली तबीयत थे आप तबीयत की हलीमी है के एहसास यतीमी हर हाल में जिस जात को मतलूब अमन है हर हाल में जिस जात को मतलूब अमन है वो मौला हसन मौला हसन है। जी सर आपने जौक लिया दोस्तों ने जौक लिया ये वो सस्ती है आखिरी शेर कि मौला हसन खेलते हुए मस्जिद नबी में आए और हजूर का एक सहाबी है जिसकी शक्ल नहीं बहुत खूबसूरत है लेकिन जबरील अमीन उस शक्ल में आए बैठे हैं। उसका ये काम था कि वो सेब का उसका बाग था वो सेब को जेब में डाल के आता था और मौला हसन उसे लेते थे। आपने उसी सूरत में छलांग लगाई उसकी गोद में बैठे और उसकी जेबों की तलाशी नहीं लगे लेकिन वो जबरील अमीन थे। अब जरा थोड़ा सा सीन बनाइए कि ये कितनी शान वाले हैं। हाँ इस जात के औसाफ भला कैसे बयां हो इस जात के औसाफ भला कैसे बयां हो जिब्रील की जो गोद में मसरूफ मगन है वो मौला हसन मौला हसन मौला हसन है जो वार से आमामाए असनाम शिकन है वो मौला हसन मौला हसन।